वेल, खतरों के खिलाड़ी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आखिर सोशल मीडिया पर कौन छा रहा है? क्या वो रुबीना है, मुनव्वर है, प्रतीक है या फिर कोई और? चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। आप देख रहे हैं फीफा फूज, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक। आपको बता दें कि आज खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जहां पे सारे के सारे जो कंटेस्टेंट्स हैं दिखाई दिए स्टेज पे। जो जो लोगों के नाम रिवील नहीं किए गए थे, जो जो सीक्रेट थे लास्ट मोमेंट तक जिनका कन्फर्म नहीं था, उनके नाम अब तक जो है अनाउंस नहीं किए थे। उनमें से एक नाम डेफिनेटली मुनव्वर फ़ारूकी का है और दूसरा जन्नत जुबैर का। बाकी तो सारे जो कंटेस्टेंट्स हैं उनके नाम ऑलरेडी पता थे। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आखिर कौन कौन सा जो कंटेस्टेंट है फ़िलहाल सोशल मीडिया पे छा रहा है, खतरों के खिलाड़ी सीज़न 12 का हैशटैग ऑलरेडी ट्रेंडिंग में दिखाई दे रहा है, लेकिन कौन फ़िलहाल कर रहा है इस टैग में सबसे ज़्यादा ट्रेंड, किसके लिए, कौन से आ रहे ट्वीट्स? चलिए टॉप ट्वीट्स में जाके देखते हैं। अब देख रहे हैं फीफा फूज, मैं हूँ आपकी होस्ट दोस्त वेदांगी करने का नहीं। और इट इज़ कोई कह रहा है, मी गो टू द टॉप वन एंड जस्ट रिफ्रेश। उससे पहले मैं ये भी रिफ्रेश करके आपको बताती हूँ कि आखिर कितने ट्वीट्स हुए हैं। 47.4K ट्वीट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 नंबर 2 पर ट्रेंड कर रहा है। मुनव्वर का सबसे पहले ट्वीट आ रहा है कि मेरी जान, मुझे पता है तुम सबसे बेस्ट करोगी, मेरी दुआ तुम्हारे साथ है इस जर्नी के लिए, ऑल द वेरी बेस्ट, और बस डोंगरी ही आने वाली है ट्रॉफी। तो कोई कह रहा है बस और 4 महीने का इंतज़ार, उसके बाद दूसरी ट्रॉफी भी आने वाली है डोंगरी। कोई एक पर्सन जो है कह रहा है प्रतीक सहजपाल, आई थिंक सबसे ज़्यादा अमेजिंग होगा बिकॉज इस बार शेर जो है खतरों का सामना करेगा। तो कोई कह रहा है कि रुबीना का दिल जिस तरीके से साफ है उसी तरीके से ये गेम साफ खेलेगी। मुझे लगता है जो जो पॉलिटिक्स और जो इश्यूज होंगे उसमें रुबीना का हाथ कभी नहीं होगा। आई थिंक शी इज़ गोइंग टू बी द क्लीनेस्ट वन एंड मेरे ख्याल से तो विनर वही रहेगी। ओके, श्रीति झा को लेकर भी लोग ट्वीट कर रहे हैं, आई थिंक शी इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग एंड आई थिंक वो ज़्यादा बात नहीं करती है जितना मैंने उन्हें देखा है, तो मुझे देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा कि बाकी लोगों के साथ वो बात कर पाएगी या नहीं। एनी वेज शी लुक्स लाइक अ प्योर सोल, ऑल द बेस्ट। तो कोई कह रहा है कि राजीव हंस हंसा के पागल कर देंगे, आखिर राजीव जीतेगा या फिर जीतेगा प्रतीक या फिर निशांत? अगर ये सवाल आपको मन में सोच रहा है तो मेरे ख्याल से प्रतीक जीतेगा, बट डेफिनेटली आई थिंक एंटरटेनमेंट की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ निशांत और राजीव बढ़ाने वाले। ओके, सो कोई एक फ़ैन यहाँ पे कह रहा है प्रतीक इज़ गोइंग टू विन दिस ट्रॉफी दिस ईयर एंड आई थिंक तेजस्वी के बाद अगर कोई बेस्ट कंटेस्टेंट होगा खतरों के खिलाड़ी के लिए तो इट हैज़ टू बी हैंड्स डाउन प्रतीक। तो कोई कह रहा है दिस इज़ गोइंग टू बी सुपर रिलैक्सिंग क्योंकि मुनव्वर की जनता हमेशा उसके साथ है। मुनव्वर सबसे बेस्ट होगा एंड ही इज़ गोइंग टू नेल ईच एंड एवरी टास्क। तो कोई कह रहा है कि श्रुति सबसे स्वीट है, उसने मुनव्वर की तारीफ़ भी की, अब मैं मुनव्वर के साथ साथ श्रुति झा को भी सपोर्ट करने वाला हूँ। तो कोई कह रहा है कि मुनव्वर सबसे बड़ा चैम्पियन है और चैम्पियन वर्सेस चैम्पियन को देखने मज़ा आएगा क्योंकि रुबीना भी उतनी चैम्पियन है, सो लेडी बॉस वर्सेस मुनव्वर देखने में मज़ा आएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जिस तरीके से ट्वीट्स आ रहे हैं, ज़्यादातर लोग श्रुति झा के बारे में, रुबीना के बारे में, मुनव्वर और प्रतीक के बारे में बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी आप आखिर किसे सपोर्ट कर रहे हो, किसे दोगे आप सबसे ज़्यादा प्यार और किसने उठानी चाहिए ट्रॉफी ऑफ खतरों के खिलाड़ी सीजन 12। लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल सी यू गाइस सून।